हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साइद और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ओपन वेल समर्सेबल पंप्स लगाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओपन वेल समर्सेबल पंप रखा हुआ है और इसका ये बॉक्स है, आप देख सकते हैं। इसमें ये 1 HP का KSB कंपनी का ये ओपन वेल समर्सेबल पंप है जिसको हम लोग अभी टैंकी में अंदर में लगाने जा रहे हैं। इसका अभी देख सकते हैं, ये इसका नीचे का सेक्शन का बैंड है जो अभी पंप हम लोग फिट करेंगे। इसका इसी में वायर दिया है 10 मीटर का, आप देख सकते हैं इसमें अटैच किया हुआ है। और यहाँ पे इसका एक छोटा सा स्टार्टर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको सारा चीज़ को अभी हम लोग फिटिंग करेंगे। अभी हम लोग को इसमें हम लोग को पाइपलाइन फिटिंग करना है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका इनलेट है और ये मतलब ये इसका आउटलेट है, ये इनलेट है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अंदर में यहाँ पे छोटा सा मतलब अंदर में यहाँ पे वाशर दिया गया है, उसको वाशर को हम लोग हटाएंगे अभी। और इधर जो यहाँ पे इनलेट दिया गया है, इसको यहाँ पे हम लोग ये जो बैंड देख रहे हैं आप, इस बैंड को हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें पहले हम लोग यहाँ पे MTF फिट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर में जो वाशर दिया गया है उस वाशर को हम लोग पहले हटाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा ये पैक है, तो इसको पहले हम लोग इसको काटेंगे और निकालेंगे। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्लास्टिक का वाशर दिया गया है, इसको हम लोग पहले काट के निकाल दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे MTA लगा दिए ऊपर में आउटलेट में, और इनलेट में जो इसका बैंड सेक्शन आता है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका जाली भी दिया गया है, तो इसको हम लोग फिट कर दिए। अब हम लोग का काम क्या है, इसमें वाटर डालना मतलब पानी डालना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पानी यहाँ पे जाएगा इस मोटर में, तो हम लोग क्या करेंगे इसका यहाँ पे एक पानी डालने के लिए यहाँ पे एक नट दिया गया है, तो उस नट को हम लोग पहले खोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा नट दिया गया है जिसमें हम लोग पानी थोड़ा सा डालेंगे अभी। तो पानी हम लोग ले आते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग पानी भरते हैं, उसके बाद हम इसको हम लोग फिट करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसका स्क्रू खोल दिए हैं, इसमें वाशर भी लगा हुआ है और यहाँ हम लोग पहले पानी डालेंगे। डाल दिया, तो दोस्तों इसमें पूरा अभी मोटर में पानी भर चुका है, आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें करीब 1.5 बोतल पानी इसमें गया है इस मोटर में। दोस्तों, ये समर्सिबल पंप है, वाटर कूल समर्सिबल पंप होते हैं, ऑयल कूल भी समर्सिबल पंप होते हैं। तो दोस्तों, ये वाटर कूल ओपन वेल समर्सिबल पंप है, तो इसमें हम लोग का पानी इसमें पहले डालना होता है, इसीलिए हम लोग इसमें पानी डाल चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोग को ये इसको अभी जो इसका नट खोले थे तो इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें रस्सी आगे बांधेंगे, उसके बाद इस मोटर को आगे हम लोग फिट करेंगे। कभी अगर बाई चांस अगर मोटर ख़राब हो जाए तो उसे निकालने में इसका मतलब काम आता है रस्सी, इसीलिए हम लोग उस रस्सी को हम लोग पहले इसमें बांध लेते हैं।
तो चलिए इसमें दो मोटर में आप देख सकते हैं, मोटर में यहाँ पे दो यहाँ पे हैंगर दिया गया है। इस हैंगर में हम लोग उसको रस्सी को लगाएंगे और बांध देंगे ताकि जब भी मोटर ख़राब हो तो हम लोग मोटर को ऐसे मतलब रस्सी के सहारे हम लोग इसको उठा सकते हैं। तो चलिए इस रस्सी को पहले थोड़ा बांध लेते हैं, उसके बाद हम लोग मोटर को फिट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मोटर में जो रस्सी हम लोग को बांधना था, और रस्सी भी हम लोग बांध दिए हैं, MTA भी लगा दिए, और मोटर का बैंड जो जाली होता है उसको भी हम लोग फिट कर दिए हैं। तो इसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग को मोटर को फिट करना है, उस टंकी में हम लोग उससे मोटर को उठा के ले जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ पर पहले जाते हैं और उसके बाद हम लोग मोटर को वहाँ पर फिट करेंगे। अभी दोस्तों हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे में ही मोटर को लगाना, आगे देख सकते हैं आप। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बारिश हुआ है, पानी अभी आया है और अभी भी धीरे धीरे पानी आ रहा है। हम लोग भींग भींग के ही काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी हम लोग को काम करना है। आगे में आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग को इसी में डालना है मोटर, आप देख सकते हैं ये टंकी का गड्ढा है, इसमें पानी भरा हुआ था, पानी हम लोग निकाल दिए, कुछ पानी भरा हुआ अभी भी ना, और हम लोग पाइप आया हुआ है उसी में उसको जोड़ना है। और सिंह जी आप देख सकते हैं, सिंह जी खड़ा हुए हैं, यही इसका देखभाल पूरा करते हैं। मोटर कुछ होगा आपको बोलेंगे, ठीक ना, सही यही चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं मोटर सबको। पूरा देख सकते हैं पूरा मशीन लगा हुआ है, पूरा वाटर प्रूफाइंग का मशीन लगा हुआ है। पूरा गड्ढा के मुंह लिए हैं, चलो अभी दोस्तों हम लोग मोटर को धीरे धीरे टंकी में उतार ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर थोड़ा भारी है और रस्सी के सहारे और इसका वायर भी है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको मोटर को टंकी में उतार दे रहे हैं। और दोस्तों हम लोग मोटर में एक इंची का पाइप भी हम लोग इसमें जोड़ दिए हैं, क्योंकि दोस्तों टंकी में भी कुछ बहुत पानी इसमें भरा हुआ है, इसलिए हम लोग को कनेक्शन करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग इसमें पाइप को जोड़ दिया और धीरे धीरे हम लोग मोटर को टंकी में उतार ले रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं अभी पानी में मोटर चला गया है और बैठ गया है। तो चलिए अभी हम लोग को कुछ नीचे भी जाना होगा, यहाँ पे सीढ़ी हम लोग लगा लिए टंकी में और अंदर जा कर हम लोग इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। बैठ गया है जैसे कि देख सकते हैं, पूरा मोटर अंदर चला गया है। दोस्तों तो मैं टंकी के अंदर में आ चुका हूँ और मोटर को पहले मैं सीधा कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मोटर जो होता है पानी के में बैठा होता है और आड़ा टेढ़ा अगर मोटर बैठता है तो सही से पानी नहीं आता है और जाम भी हो जाता है, तो उसको मैं ठीक कर दिया। और अभी दोस्तों जो हम लोग मोटर में एक इंच का पाइप जोड़े थे तो वहाँ पर मैं सॉकेट लगा के ऊपर का जो पाइप लाइन है एरिया है उसको जो पानी हम लोग ऊपर ले जाना है तो वहाँ पर मैं सॉकेट लगा के इसको कनेक्शन पहले कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसमें निकल जाऊँगा और उसके बाद जो ऊपर काम होगा तो मैं उसको करूँगा। तो ठीक है चलिए इसको पहले मैं जोड़ लेता हूँ। दोस्तों नीचे टंकी में मोटर बैठ चुका है और पाइप का भी कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोटर का स्टार्टर दिया गया है उस स्टार्टर को हम लोग यहाँ पे पहले लाइन से कनेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे समरसेबल पंप का जो जैसे होता है लाइन फेज और रेड ब्लू
और येलो का जैसे कनेक्शन होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी कनेक्शन होता है, लेकिन इसका जो स्टार्टर होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इसमें आपको एक लाइन एक फेज देना है और रेड येलो ब्लू जैसे हर समरसेबल पंप में होता है तीन वायर होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, रविंदर भैया कनेक्शन कर ले रहे हैं पहले, उसके बाद हम लोग मोटर को चालू करके चेक करेंगे कि पानी इसमें चल रहा है कि नहीं। इसका पाइप बाहर निकला हुआ आप देख सकते हैं, साइड में आप एक इंची का पाइप देख सकते हैं जिसमें रस्सी भी हम लोग निकाल दिए। यहाँ पे हॉल था ये टंकी का, साइड में आप नली में देख सकते हैं एक इंची का पाइप निकाल दिए हैं और रस्सी येलो कलर का आपको दिख रहा है और वायर भी हम लोग इसी से निकाल रहे हैं। और इसका कनेक्शन पहले कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग मोटर को चालू करेंगे जैसे कि आप आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर का जो स्टार्टर है उसका वायर कनेक्शन हो चुका है, न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन भी कर दिए और रेड येलो और ब्लू का भी कनेक्शन हम लोग कर दिए। तो सारा चीज़ अभी कनेक्शन हो चुका है, तो मोटर का स्टार्टर को हम लोग पहले इसको रखते हैं पूरा, इसको जो इसका स्क्रू खोले थे उसको भी हम लोग इसको टाइट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग मोटर को चालू करके देखेंगे कि मोटर चल रहा है कि नहीं। बस लग रहा बुरा तो टैट मान मारे थे जोर से सर, फिर चालू करते एक बार बंद कर तो दोस्तों हम लोग का मोटर का टेस्टिंग पूरा हो चुका है, मोटर बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रेशर में पानी आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो पाइप का कनेक्शन है वो पार्क में गया है, मतलब बिल्डिंग का जो पार्क है उसमें पानी जाने के लिए इसका कनेक्शन पाइप आया हुआ है। तो इसको हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद एक बार फिर हम लोग मोटर चालू करके देखेंगे आगे। तो चलिए इसको पाइप को हम लोग पहले कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों मोटर का कनेक्शन हो चुका है और मोटर भी हम लोग यहाँ पे चालू कर दिए हैं, उसी पाइप से यहाँ पे अटैच एक हम लोग का पॉइंट दिए हैं, उसी से अभी पानी यहाँ पे निकल रहा है। मोटर आप देख सकते हैं कैसा प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, प्रेशर तो मुझे अच्छा लगा। और आगे भी यहाँ पे पीछे भी पॉइंट सभी तरफ, मतलब आगे यहाँ पे पार्क है आगे देख सकते हैं, तो उसमें पानी जाने के लिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट छोड़े हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो देखने कुछ बहुत सीखने को मिला होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।